एमपी के हरदा में किसान सम्मेलन में कांग्रेसियों की सरकार के खिलाफ हुंकार। पूर्व मंत्री पटवारी ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों को गेहूं के दाम 3,000 रुपए क्विंटल देने होंगे। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर तेजाजी चौक पर आयोजित कांग्रेस के किसान सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। वहीं शिवराज सरकार में भारी भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए। जिले में कांग्रेस ने विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन कर जिले के कांग्रेसियों ने एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एकता और जोश दिखाया। ये चाहिए, फिर भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। शिवराज जी से हमने अनुरोध किया, विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी ने किया कि किसानों का महंगाई की मार पड़ रही है, लागत बढ़ रही है, इसलिए 3,000 रुपया क्विंटल किसानों का गेहूँ अनाज ज्वार मक्का धान क्यों न किया जाए, एक 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 साथ सब मिलकर इस बात की बात करें। शिवराज जी को ये बात नागवार गुजरी। एक भी बीजेपी के विधायक को, चाहे कमल पटेल कृषि मंत्री हैं यहाँ के वो या और कोई विधायक, ने इसका समर्थन नहीं किया। कमल पटेल रोज़ भाषण देते हैं, मैं किसानों का ऐसा हूँ, मैं किसानों का वैसा हूँ, तो पर उन्होंने 3,000 रुपये क्विंटल पे एक शब्द नहीं बोला हलक से अपने। मैं इसीलिए ये अभियान पूरे प्रदेश में चला रहा हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।